हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये बैक डिज़ाइन है, इसका फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो नेक डिज़ाइन है वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो इसी का फ्रंट डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्रिंसेस कट पर 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, और मैं हर वीडियो में आपके साथ कोशिश करती हूँ आप लोगों को कुछ नया सिखा सकूँ। तो देखिए, मैं इसमें आपको आज पाइपिंग लगाना सिखाऊँगी प्रिंसेस कट पर। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी आ रही थी पाइपिंग की। तो देखिए, हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। लाइन ड्रॉ करके मैंने नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कपड़ा मैंने कट कर दिया है। लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करने के बाद कपड़े को कट कर लिया है, और बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ रखी थी वो 14.5 इंच थी, और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ रखेंगे हम वो 15 इंच रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये हम प्रिंसेस कट में लेते हैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद देखिए, 1/2 इंच इस तरफ से आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये एक्स्ट्रा हमने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। उसके बाद देखिए, टोटल लेंथ ले लेनी है आपको यहाँ पर। तो 14.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। इसकी जो तैयार लंबाई रखनी है मुझे, वो 13.5 इंच रखनी है। तो जितनी भी आपको लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। तो यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 6.5 इंच। तो ये जो भी मार्किंग हम कर रहे हैं, ये 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए मार्क करेंगे। 6.5 इंच शोल्डर लिए हैं, 6.5 इंच, और इतने ही आर्म होल लिए हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन बोट नेक का है बैक पार्ट का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पर देखिए, हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, 26 इंच कमर है, और उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने 1 इंच आर्म होल तरफ से लिया है और 2 इंच नीचे की तरफ से लिया है कमर की तरफ से। तो इतना एक्स्ट्रा हमें लेना है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मार्किंग मैंने कर ली है, और इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर कटिंग। तो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है हमें। तो ये पार्ट मैंने कट कर लिया है। इसके बाद 1/2 इंच शोल्डर को हम डाउन कर देंगे। ये हम बोट नेक ब्लाउज में करते हैं, बैक पार्ट में भी हमने किया था। और यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ करके मार्क करते हैं, और फिर गहराई करते हैं। पर अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे तब करेंगे। 4 इंच ले लेंगे हम नेक की विड्थ, और यहाँ पर देखिए नेक की जो लेंथ ले रही हूँ मैं, वो 6 इंच है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज़ है और कम साइज़ का ब्लाउज़ है। फैलाना नेक को आपको इस तरीके से है, ज़्यादा डीप में नहीं फैलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैल जाएगा। ये बोट नेक पर है, गले की चौड़ाई भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम प्रिंसेस कट के लिए लेंगे 3 इंच लिया है, और ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर 32 साइज़ में। अगर आप किसी का ब्लाउज़ बना रहे हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप 10.5 इंच पर भी ले सकते हैं टक्स पॉइंट। और देखिए, यहाँ पर ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है, आपको पहले से विड्थ में यहाँ पर सीधा कर लेना है, और यहाँ से विड्थ में आपको 3.25 इंच लेना है, 3.25 इंच लेना है विड्थ में। उसके बाद इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लें आप, और इसके बाद इस लाइन को हम मिला लेंगे इस तरफ मिला लेना है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर विड्थ में 1.5 इंच पे मार्क करना है, और लेंथ में 2 इंच पर इस तरीके से। और हल्के हाथों से आपको प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। और देखिए, यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करना है। तो देखिए, मार्किंग हमने कर ली है, और अब हम कर लेंगे इसे कट। तो कटिंग आपको इस तरीके से करनी है फ्रेंड्स। आप लोग स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी प्रिंसेस कट पर। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, स्टिचिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम नेक को भी कट कर लेंगे। तो ये पूरा ही पैटर्न हम पाइपिंग से ही बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सेंटर से भी हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। और ये सभी पार्ट हम प्रिंसेस कट के हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमें स्लीव्स कटिंग करना है। तो स्लीव्स में बैक पार्ट का आर्म होल नाप के करती हूँ, तो 1.5 इंच मार्जिन का हम छोड़ देंगे। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन में चला जाता है, तो इसे छोड़ने के बाद आर्म होल आपको नापने हैं। तो ये आर्म होल जो आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं 6 इंच, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे, 6.5 इंच ले लेंगे। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, जितनी बड़ी भी आपको स्लीव्स कटिंग करनी है उतना फैब्रिक आप फोल्ड कर लें।
तो मैं यहाँ पर छोटी ही स्लीव्स बना रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया है, देखिए इस तरीके से अच्छे से आप इसे फोल्ड कर लें, कहीं से भी कोई पार्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर लेंथ ले लें। तो लेंथ है 4.5 इंच, मैंने जो लेंथ रखी है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और 6.5 इंच लिया है आर्म होल, जो बैक पार्ट का हमने नापा था वो यहाँ पर लेकर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। उसके बाद हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर डाउन किया है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप इसे 3 इंच पर डाउन कीजिएगा। हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे और 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करते हुए, ये मार्जिन का लिया है मैंने, इस तरीके से शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। स्लीव्स राउंड जो है वो 11 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग कर लेना है। सेंटर में एक छोटा कट लगाने के बाद 1/2 इंच की आपको गहराई कर देनी है, गहराई ज़्यादा नहीं देनी है, 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। और साथ ही साथ आप मार्क ज़रूर कर लें यहाँ पर, ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि ये पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो इन सभी पार्ट को मैंने देखिए यहाँ पर मैन फैब्रिक पर रख कर कट कर लिया है इस तरीके से। तो ये मैन फैब्रिक है, इस पर रख कर मैंने कट कर लिया है। और अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी पार्ट को यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि मैं सभी पार्ट को पाइपिंग से तैयार करूँगी। तो अस्तर और मैन फैब्रिक को हम जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को देखिए, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से आमने सामने रखना है। और हमेशा मैं मेन फैब्रिक थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ, ताकि जोड़ते समय हमें आसानी रहती है, यहाँ पर इजी रहता है, कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं होता है। बाद में देखिए हम इसे इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रफ स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है और इसे इस तरीके से हम कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी आमने सामने की तरफ रखते हुए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो अस्तर और मैन फैब्रिक को आपको जॉइंट कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, इस पार्ट को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम स्लीव्स वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो मैं स्लीव्स को सिलाई लगाकर पलट नहीं रही हूँ, मैं इसे आपको पाइपिंग से बनाना बताऊँगी। तो देखिए हम इसे इस तरीके से अस्तर के साथ जॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि हमने बाकी सारे पार्ट जॉइंट किए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे हम। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसे जामा फैब्रिक कहते हैं, और इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो ये फैब्रिक तिरछे में है, हमेशा आप जब भी पाइपिंग बनाएं तो कपड़ा आपको तिरछे में ही लेना है, तिरछा मतलब उरेब कपड़ा। तो यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट कर ली है, तो यहाँ पर एक पट्टी और कट कर लेती हूँ मैं, देखिए इस तरीके से। और इसे आपको जॉइंट किस तरीके से करना है देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो ये पट्टी को आपको जॉइंट लगा लेना है। तो ये तिरछी पट्टी हमारी 1.5 इंच चौड़ाई में कट की है मैंने। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो मेरे पास ये दो डोरे हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एक डोरा पतला है और एक डोरा इससे थोड़ा मोटा है, और एक डोरी और आती है जो इससे थोड़ी और मोटी होती है। तो मैं यहाँ पर, आप कोई सा भी डोरी अपनी पसंद से ले सकते हैं। और ये 2 फुट है मेरे पास, तो दोनों देखिए इस तरीके से आते हैं। ये आसानी से आपको टेलरिंग शॉप पर मिल जाते हैं 1 साइड फुट। तो अब हम इसे मशीन में लगाएंगे। तो ये देखिए मेरी मशीन में ये बहुत ही ईजीली निकल जाता है, और जो अम्ब्रेला मशीन होती है उसमें भी ये लग जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले फुट चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये वाली जो पाइपिंग होती है वो इसी से अच्छी बनती है। तो देखिए पहले मैंने एक नॉट लगा लिया है इसमें, और यहाँ पर हम पट्टी को इस तरीके से इसके अंदर रखकर फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को थोड़ा टाइट कर पकड़ें आप, लूज ना छोड़ें। तो इस तरीके से हम इसे डोरी को इसके अंदर रखते हुए स्टिच कर लेंगे।
पूरी ही पट्टी आपको हाथ से, पर आपको इसे इस तरीके से करना है, पकड़ के रखना है आपको हाथ से इस तरीके से, ताकि अंदर की जो डोरी है हमारी वो बिल्कुल जगह पर ही आए, लूज़ ना हो। तो देखिए इस तरीके से पूरी ही पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर ये पट्टी तैयार कर ली है मैंने, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही मतलब इजी तरीके से आपको बता रही हूँ पाइपिंग बनाना और लगाना। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया हमने, और इसके बाद हमें जितना फैब्रिक फोल्ड रखना है, तो पहले आप फोल्ड करके चेक कर लें कि आपको कितना फैब्रिक रखना है, देखिए इस तरीके से, और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट कर लें। तो इस पाइपिंग से आप अपना गला, ब्लाउज़ और स्लीव्स सभी बना सकते हैं, अलग से आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आप आगे की वीडियो में देखेंगे किस तरीके से मैं लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर फुट को चेंज कर लिया है, आप चाहें तो उसी फुट से लगा सकते हैं, पर इससे हमारी सिलाई फिनिशिंग से आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर फुट चेंज किया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए मैं पास से बता रही हूँ आपको, इस तरीके से यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई ये वाले फुट से ही अच्छी आएगी, इसलिए मैंने चेंज कर लिया यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे ब्लाउज़ को बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग से बनाती हैं। तो आप लोग भी जब स्टिचिंग करें तो इन बातों का ध्यान रखें और अपनी सिलाई में ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग लेकर आएँ। तो देखिए यहाँ पर ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है, उसके बाद आपको लगाना किस तरीके से, देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से रखें आप, और यहाँ पर हम ये वाले पार्ट पर पाइपिंग लगाएंगे। तो ये पाइपिंग आपको देखिए नीचे से लगानी है इस तरीके से, और जो पाइपिंग का मुंह है वो फिटिंग वाली तरफ आपको रखना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हम जब इसे जॉइंट करते हैं तो हमें आधा हाफ इंच मार्जिन चाहिए होता है, तो वो एकदम कॉर्नर पे भी आपको नहीं लगानी है, हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए आप इसे लगाएं। तो देखिए इस तरीके से आप बारीक टाके से इसे लगा लें, अच्छे से लग जाएगी फिनिशिंग से। और अब दूसरे वाला पार्ट जो है वो ऊपर से शुरू करें, पहले वाले पार्ट पर हमने नीचे से शुरू करी थी पाइपिंग, और दूसरे वाले पार्ट पर हम ऊपर से शुरू करेंगे आर्म होल्स तरफ से। तो देखिए इस तरीके से लगा लेनी है, पाइपिंग को खींचना नहीं है, पाइपिंग को आप ढीला छोड़ते हुए ही लगाएं, एकदम इस तरीके से खींचना नहीं है, नहीं खींचेंगे तो आप यहाँ पर सल आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से पक्का कर लें। तो ये पाइपिंग हमारी फिनिशिंग से लग गई है, देखिए दोनों पार्ट में, और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए वाला पार्ट इस तरीके से आएगा। तो प्रिंसेस कट पार्ट मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ऊपर से नहीं, नीचे से अटैच करना होता है। तो यहाँ से आप इसे पक्का करते हुए, आप देखिए पाइपिंग इसी फुट से आपको यहाँ पर इसे अटैच करना है, नॉर्मल फुट नहीं लगाना है, इसी फुट से आपको यहाँ पर अटैच करना है, क्योंकि अंदर की तरफ हमारी पाइपिंग बिल्कुल दबनी चाहिए, एकदम पाइपिंग के ऊपर भी सिलाई नहीं लगानी, पाइपिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए, तभी पाइपिंग इस तरीके से आएगी। पाइपिंग से चिपकाते हुए आप सिलाई लगाएंगे, और अब इस पाइपिंग को देखिएगा मैं नेक पे किस तरीके से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भी आपको पाइपिंग को खींचना नहीं है, ढीला छोड़ते हुए इस तरीके से लगा लें। तो अलग से कोई पट्टी या बुकरम कैनवास आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, इजीली यहाँ पर ये पाइपिंग से नेक आपका बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक पे इसे लगा लिया है, और अब नेक पे आप कट लगा लें। कट लगाने के बाद देखिए इस तरीके से इसे करते हुए बहुत ही आसानी से मतलब ये पाइपिंग लग जाती है, और ये लगने के बाद बहुत ही नेक हमारा खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे लगा लिया है, और बिल्कुल ये जो लुक आता है ब्लाउज़ का, वो रेडीमेड जो ब्लाउज़ आते हैं उसी तरीके से लगेगी ये। तो देखिए यहाँ पर अब हम हाई, यहाँ पर मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। हुक की पट्टी लगाने के बाद मैं नीचे भी आपको दिखा दूँगी किस तरीके से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हुक की पट्टी इस तरीके से लगा ली, और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ, किसी भी तरफ आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। जब भी आप कस्टमर का भी ब्लाउज़ बनाएं तो उनके ब्लाउज़ में भी आप चेक कर लें कि किस तरफ हाई हुक की पट्टी है, तो उसी तरफ आप पट्टी लगाएँ। और इस तरीके से देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है, नीचे की तरफ से भी इसे बराबर कर लें अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो, और अब नीचे की तरफ भी आप पाइपिंग लगा लें। आप चाहें तो अपनी पसंद से कमर पट्टी भी लगा सकते हैं, पर मैं आज आपको थोड़ा पाइपिंग का बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग का ही यूज़ किया है।
तो ये जो पाइपिंग का साइज़ होता है, मोटा या पतला, वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको टेलरिंग शॉप पर, जहाँ से धागे या मशीन का तेल हम खरीदते हैं, वहाँ पर इजीली मिल जाता है। तो ये जो हमने डोरी यूज़ की है इसमें, इसे पाइपिंग डोरी ही कहते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, ये जो फुट मैंने यूज़ किया था, इसे भी मशीन का वन साइड फुट कहते हैं, जो पाइपिंग और जिप लगाने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुए हैं। अब आपको गहराई करनी है, तो यहाँ पर 0.25 इंच की गहराई करनी है, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज़ है। डीप नेक में हम 0.5 इंच ही गहराई देते हैं। गहराई देने के बाद हम सिलाई लगा करके इसे पैक कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से गहराई कर देनी है। अब ये पाइपिंग हम स्लीव्स पर लगाएंगे, तो देखिए हमने स्लीव्स पर इस तरीके से पाइपिंग लगानी है, जिस तरीके से हमने नेक पर लगाई थी। पाइपिंग लगाते हुए देखिए, जो सिलाई चली गई आपकी, वो पाइपिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए लगानी है आपको, लूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपकी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पाइपिंग लगा ली है और अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो आगे नेक की तरफ से हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर आने चाहिए, और इस तरीके से 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। आगे नेक की तरफ से शोल्डर बिल्कुल बराबर आने चाहिए आपके। और अब हम करेंगे बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। हाई वाले पार्ट को अंदर की तरफ करना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी होती है। और यहाँ पर आप चाहें तो एक पिन लगा लें, और चेक कीजिएगा कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो गहराई करके आप इसे बराबर कर लें। इसके बाद आप यहाँ से सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करें, तो इस तरीके से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे जॉइंट करेंगे। एक तरफ से कर लिया है, दूसरी तरफ से भी करेंगे, और इस पर डबल सिलाई लगाकर हम इसे पैक कर देंगे। डबल सिलाई लगाकर हम इसे पक्का कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से भी कर लेना है। देखिए, स्लीव्स जोड़ते समय आप इस तरीके से चेक भी कर लिया करें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके आप बराबर कर सकते हैं। और यहाँ की भी स्लीव्स हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, दोनों पार्ट को जो हमारे स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट है, उन्हें मिलाते हुए एक सीधी सिलाई आप लगाएं यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये सीधी सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है, सिलाई के पास तक कटिंग कर देनी है। और अब हमने यहाँ पर अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई आप जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगा लें कॉर्नर की। और अब हम यहाँ पर देखिए, चेस्ट और वेस्ट का करेंगे फोर्थ पार्ट। तो चेस्ट का है 8 इंच, कमर का है 6.5 इंच, और इस तरीके से स्लीव्स राउंड जो है वो 5.5 इंच है। तो यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का ब्लाउज़ भी फिटिंग कर लेंगे, और ये ब्लाउज़ बन करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।